वेलकम बैक टू आना मेक ओवर। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, एक छोटू सा ब्लॉग, क्योंकि मुझे शेयर करना था। एंड अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और थोड़ी सी आज मैं लेट से उठी हूँ, बट मैंने उठकर नाश्ता कर लिया है एंड सोचा कि चलो ब्लॉग शेयर करती हूँ आज। तो आज मुझे कहीं जाना है, वो आपको लास्ट में पता चलेगा कि मुझे कहाँ जाना है। एंड बस छोटी सी खुशी है जो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। एंड मैंने हेयर कलर किया था, इसकी भी मैंने वीडियो बनाया है, बट वो मतलब धूप में वो कलर पता चलती है, ऐसे वो पता नहीं चल रही है, एकदम लाइट ब्राउन कलर आई है, तो इस साइड भी आई है, बट वो जब धूप आती है तो ही पता चलती है। और मैंने मैंने वीडियो भी बनाया है, आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगेगी। एंड अभी तो मैं जा रही हूँ नहाने एंड देन उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। देन मैंने नहा लिया और थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम है इसलिए मैंने रिंग लाइट ऑन कर दिया है। एंड मुझे ब्लॉग बनानी नहीं आती गाइस, मेरी जो फर्स्ट ब्लॉग थी उसमें बहुत ख़राब कमेंट आई थी, बट इट्स ओके क्योंकि मुझे आती नहीं है, ये मेरी फर्स्ट है, तो जाने दो, सीख जाऊँगी। एंड अब तो मुझे रेडी भी होना है, बट उससे पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मुझे ट्यूशन पढ़ाने जाना है। तो सोच रही हूँ ट्यूशन पढ़ा कर ही रेडी होंगी तो ज़्यादा अच्छा होगा, और शायद मैं गेट रेडी विथ मी भी शूट करूँ, मे बी, कन्फर्म हूँ नहीं। एंड थोड़ी सी ड्रेस में कन्फ्यूज़न हूँ कि मैं पहनूँ क्या, मैं आपको दिखाती हूँ। देन एक ये ड्रेस है ग्रे कलर की, बहुत प्यारी ड्रेस है, मुझे लग रहा कि मैं ये पहन लूँ, बट मुझे ये टॉप ही पहनना है जिसमें मैंने इंडिपेंडेंस डे वाली लुक भी की हूँ, और ये टॉप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये सब मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था क्योंकि मीशो की मुझे क्वालिटी भी अच्छी लगी और उसकी प्राइस भी बहुत अच्छी है। एंड एक मेरे पास रेड टॉप है, ये भी मैंने मीशो से ही ऑर्डर किया था, तो सोच रही हूँ या तो रेड टॉप पहनूँ या फिर वाइट या फिर ग्रे कलर वाली, समझ में नहीं आ रहा। और मुझे साड़ी भी पहनने का मन है, तो सोच रही हूँ क्यों ना ये साड़ी पहन लूँ, क्योंकि साड़ी बहुत कम ही पहनती हूँ मैं, तो देखती हूँ क्या करती हूँ। अभी तो वैसे दिन अभी टाइम 1 बज रही है, तो मैं पहले ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ करूँगी। तो मैं बाहर निकल रही हूँ इसलिए मैं सनस्क्रीन लगा लूँगी, क्योंकि नहाना था तो मैं सुबह में नहीं लगाई थी, तो अभी लगा लेती हूँ। दिन में सुबह फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मैं सनस्क्रीन ही लगाती हूँ अपने फेस पे। एंड मेरी मेहंदी तो ख़राब हो गई, यहाँ पे भी ख़राब हो गई क्योंकि मैं ऐसे करके सो गई थी रात में इसलिए। और बस अभी मैं ट्यूशन पढ़ाने जाऊँगी और फिर उसके बाद आऊँगी, एंड ट्यूशन जहाँ पढ़ाती हूँ वही आप भी मुझे शायद साड़ी पहना दे, देन हो सके तो मैं अपनी स्टूडेंट को भी दिखाऊँगी, ठीक है। तो जल्दी से मैं ट्यूशन पढ़ाने जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं डायरेक्ट आपसे शाम में मिलूँगी, अगर हो सके तो मैं ट्यूशन में अपनी स्टूडेंट को भी दिखाऊँगी, नहीं तो मैं डायरेक्ट शाम में आपसे मिलूंगी। पढ़ा दिया है तो मैं सोच रही थी क्यों ना मैं अपनी स्टूडेंट से आप लोग को इंट्रोड्यूस कराऊं, तो मीट माय स्टूडेंट। हाय हाय, आई एम मोहम्मद इज़मी मुज़फ़र एंड आई एम मोहम्मद उमर मुज़फ़र। टीचर के चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो मेरे स्टूडेंट ने भी बोल दिया, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं रेडी हो गई हूँ, मैंने ग्रे कलर वाली वन पीस पहना हुआ है एंड इसके जो नीचे में मैंने डाला है वो जीन्स है, देख सकते हो। और बस अब मैं निकलने वाली हूँ, तो जो मेरी खुशी है वो ये है कि हम लोग न्यू कार ले रहे हैं, इस वजह से आज मुझे बाहर जाना है कार लेने के लिए। देन मैं आपको वहाँ दिखाऊँगी कि मैंने कौन सा कार लिया है, मैंने नहीं मेरी फैमिली ने। देन बस इतनी सी खुशी थी जो मुझसे आपसे शेयर करनी थी। एंड देख सकते हो मैंने ज़्यादा मेकअप उतना ज़्यादा नहीं किया है, बस मैंने लाइनर काजल एंड लिपस्टिक लगाया हुआ है, हाथ दर्द दे रही है। देन अब मैं थोड़ी देर के बाद निकलने वाली हूँ और आप देख सकते हो ये कलर कितनी प्यारी लग रही है। देन मैं वहाँ जाकर भी आपको दिखाऊँगी कि मैंने कौन सा कार लिया है। एंड अभी बस थोड़ी देर में मैं निकल जाऊँगी, और मैंने गेट रेडी विथ मी भी शूट नहीं किया क्योंकि बहुत जल्दी में थी। जहाँ से हम लोग की कार आ रही है वो लोग बोले कि 2 बजे तक मिल जाएगी, बट मिली नहीं। देन अभी जाकर फाइनल हुई है, तो बस मुझे जाना है अभी।
करती हूँ। गाइस गाड़ी आ चुकी है, शोरूम से बाहर निकल चुकी है एंड ये रही हम लोग की कार। तो गाइस कार की खुशी में आज हम लोग बाहर डिनर कर रहे हैं। अभी हम लोग रेस्टोरेंट आए हुए हैं, खा लेते हैं क्योंकि बहुत टाइम लग गया वहाँ पे। अभी ऑर्डर करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या ऑर्डर करते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे।